वेल हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। यार गाइस फरहान अली वारिस भाई का न्यू नात रिलीज हो गया है एंड अभी कुछ दिन पहले ही इनका एक न्यू नात रिलीज हुआ था जिसका नाम था हमारे हैं मोहम्मद, जिसपे मैंने रिएक्शन वीडियो भी बनाया था एंड उस रिएक्शन वीडियो को फरहान अली वारिस भाई ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर भी किया था, जो कि बहुत 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 बड़ी बात है मेरे लिए, सच में बहुत बड़ी बात है। तो यस न्यू नात आ गया है, एक सब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा। जैसे कि तुमको पता है कल 17 रबीउल अव्वल है, मतलब जो सिया मुस्लिम से वो कल के दिन अपने नबी हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का बर्थडे, मतलब जन्मदिन, मतलब उर्दू में आई थिंक विलादत कहते हैं, तो उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, बनाते हैं। यस 17 रबीउल अव्वल मतलब कल 4 नवंबर, एंड आई थिंक इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से तो वो दिन लग भी गया होगा, बिकॉज जो मगरिब के बाद का टाइम होता है, सूरज डूबने के बाद का टाइम, आई थिंक उस वक्त उनका दिन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर। सो या जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद मिलाद उन नबी मुबारक हो। एंड एक और चीज़ कहते हैं, मुझे सिखाया था किसी ने, क्या था, 17 रबीउल अव्वल अमादे हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मुबारक हो। यस यस तो यस अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक। एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, नूर बरसा खिजरा देखा, एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, कैसी गलियां थी जहां खेले हसन और हुसैन, सवारी थे रसूलो सकले, इश्क के नूर से वो सारा इलाका देखा, एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, मैं वहां दौर पयंबर के ख्यालात में था, सहने मस्जिद से ही रसता था नबी के घर का, शुक्र का सजदा किया खुल्द का टुकड़ा देखा, एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, या रसूल अल्लाह, सहने मस्जिद था वो मिंबर, वो चटाई वो दरी, दर्स सुनते थे जहां बैठ के अस्हाबे नबी, मैंने इस ख्वाब में मंजर ये सुहाना देखा, शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, नाका ठहरा था जहां ख्वाब में देखा वो मकान,
जहां जश्न नबी सारा वो खिता देखा, एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, जिस जगह पयंबर भी सलामी के लिए उस जगह मांगी दुआ मैंने गुलामी के लिए, भीगी आंखों से मुसलसल दर जहरा शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, चलते चलते जो बकैया के करीब पहुंचा, अश्क बहने ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हाय मैं बकी पहुंचा तो रोते हुए मैंने देखा, कब्र उसकी है कड़ी धूप में और बेसाया, जिसके बाबा का किसी ने नहीं साया देखा, शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, शहर सरवर में जो सजता था हसन का सुफरा, फैज इस तरह ये नाना से नवासे को मिला, इनके टुकड़ों पे वहां सबका गुजारा देखा, एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, क्या कहूँ जाली से मैं लिपटा ऐसे जैसे बचा कोई मादर के कलेजे से लगे, अपनी तकदीर को मैंने बड़ा ऊंचा ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिर मेरे दिल ने कहा मौका अपने सरकार को सरकार की नातें तो सुना, अपनी आवाज में हसान का लहजा
जा देखा एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा थी मदीने की हंसी मजहर ओ फरहान बुरात रूबरू राज़ए सरकार के थी महफ़िल नात अर्श से फर्श तलात नूर बिखरता देखा एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दैट्स इट। यस, क्वाइट इमोशनल। एंड जिस हिसाब से इस नात को प्रेजेंट करा गया यार, बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत नेक्स्ट लेवल। मतलब फरहान अली वरी सर एक ख्वाब देख रहे, एक सपना देख रहे, उसमें वो मदीना का जो वक्त है, जो उस वक्त का दौर है, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जो दौर है, उस वक्त के दौर को वो देख रहे हैं एंड बयां कर रहे हैं अपनी बातों में उन्होंने क्या क्या देखा उस वक्त। उन्होंने खुशियाँ देखी वहाँ पर, उन्होंने दुख भी देखा वहाँ पर, उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बचपन देखा, वो गलियाँ देखी जहाँ पर वो खेलते थे, जहाँ पर वो खेल रहे हैं, इनफैक्ट वो खेल रहे, उन्होंने वो देखा, उन्होंने दरवाज़ा देखा बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का, उन्होंने कब्र देखा जो धूप में है, उन्होंने मिंबर देखा हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का, जहाँ पे वो टीच करते थे, सिखाते थे जहाँ बैठ के वो, प्रो जस्ट नेक्स्ट लेवल। मतलब सच में काबिले तारीफ इस तरह की, मतलब इसे कहते हैं ना वीडियो प्रेजेंटेशन, थिंकिंग नेक्स्ट लेवल। एंड जो लिरिसिज्म है ना, वो उस टाइम की चीज़ों को भाई प्योरली एकदम कहते ना प्रॉपरली फील करा रहे थे सच में। सामने वाला चाहे फिर वो बंदा सिंगर हो या फिर नुहा खान हो, चाहे फिर नात खान है, कुछ भी हो, जब वो अपनी चीज़ें मतलब डिलीवर करता है, बयां करता है, तो भाई उस चीज़ में अगर कोई बंदा खो जाए ना, तो फिर वो काम अमर हो जाता है, वो नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है। तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो लिरिक्स थी ना, जो लिरिसिज्म थी, वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी। एंड मैं उसमें खो चुका था, मुझे पता है बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल इनकी सारी नात होते, बट ये कुछ डिफरेंट था, ये थोड़ा अलग था, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही ना, काश में दौरे पैगंबर में, आई थिंक एक लाइन था, काश में उस वक्त में चला जाता, काश में उस वक्त में होता, जस्ट नेक्स्ट लेवल। सच बता रहा हूँ, इसके पहले का जो नात था वो बहुत एक अलग था, बहुत अलग था। एंड ये नात भी बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, ये थोड़ा इमोशनल, थोड़ा भी नहीं यार, बहुत इमोशन चले गया, सच बता रहा हूँ, बहुत इमोशन चले गया। एंड जिसे कहते हैं ना, वहाँ की जो जो दुख थे वो उन्होंने सब दिखाया, जो बी फातिमा सलामुल्लाह की जो कब्र जिसे कहते हैं वो एकदम धूप में है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ फरहान अली वारी सर, उनके एक्सप्रेशन, सच बता रहा हूँ, उनके एक्सप्रेशन तो बहुत नेक्स्ट लेवल होते, जो हर एक चीज़ को बयां कर जाते, वो एक अलग ही रोल प्ले करते, अलग ही रोल प्ले करते, चाहे फिर नुहा हो या फिर मनकवत हो या फिर नात हो, वो एक अलग ही चीज़ है ब्रो, वो एक चार चांद वाली बात होती है सच में। इसलिए वन ऑफ माई फेवरेट जिसे कहते हैं ना, वन ऑफ माई फेवरेट में गिने जाते हैं फरहान अली वारी, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो या बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ बताओ मुझे कैसा लगा वीडियो, कमेंट करो इस वीडियो के बारे में एंड मेरे रिएक्शन के बारे में, मुझे बताओ तुमको कैसा लगा। एंड यस, आई होप तुमको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए ख्याल रखें, बी सेफ, पीस आउट, बाय बाय।